नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। युवाओं में सेना में भर्ती होने को लेकर काफी उत्साह रहता है। पश्चिमी सिंहभूम में युवा इसकी तैयारी भी करते हैं, लेकिन सही तरीके से शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती है। कोल्हान नितिन तुरतुंग ने युवाओं के शारीरिक कौशल के निःशुल्क प्रशिक्षण की शुरुआत की है। टाटा कॉलेज मैदान में आज से इसकी शुरुआत हुई। राजनगर के बीडीओ डांकुर कोड़ा, मुफसिल थाना प्रभारी पवन कुमार पाठक और गुमला के सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार मुंडरी ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। आज से पहले पश्चिमी सिंहभूम में इतने बड़े पैमाने पर किसी सामाजिक संगठन द्वारा इस तरह का प्रयास नहीं किया गया था। अतिथियों और ट्रेनर के रूप में उपस्थित भूतपूर्व सैनिक अनुज गागराई, अमृतलाल तामसोय और लाल सिंह तामसोय ने प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण टिप्स और जानकारियां दी, जिसके बाद 1600 मीटर की दौड़ कराकर ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। इस दौड़ में करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नितिन तुरतुंग के अध्यक्ष प्रकाश लागुरी और कोषाध्यक्ष सिंगराय बोद्रा ने प्रतिभागियों को बताया कि यह प्रशिक्षण करीब 2 महीने तक लगातार टाटा कॉलेज के मैदान में लगभग 2 घंटे तक होगा। इसके बाद प्रतिभागियों को परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के आनंदपुर थाना अंतर्गत चिरोमाथा गांव के चोरकू जंगल से मंगलवार को आनंदपुर पुलिस ने एक शव बरामद किया है। शव की पहचान रिंगाल बेड़ा माठा कुदर निवासी मनमोहन ताती के रूप में की गई है। आनंदपुर पुलिस द्वारा बरामद किए गए शव के गले में वार कर उसे चोरकू जंगल के एक सिंचाई कूप में फेंक दिया गया था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मालूम हो कि युवक 10 जनवरी से लापता था। युवक की गुमशुदगी को लेकर मनोहरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान में जुट गई है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के सामने खुद को फिट रखना एक बड़ी चुनौती होती है, वह भी वैसी जगहों पर जहां शारीरिक व्यायाम करने के लिए कोई सुविधा ना हो। फिटनेस खराब होने के कारण उन्हें काम पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ की 174 बटालियन की ओर से जवानों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सारंडा और पोड़ाहाट के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में हमेशा व्यस्त रहते हैं। रखने के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की गई है। कमांडेंट डॉक्टर प्रेमचंद के दिशा निर्देश में यह सारी व्यवस्था कराई गई है। खाली समय में जवान यहां व्यायाम करेंगे ताकि वह शारीरिक रूप से फिट रह सके। 174 बटालियन सीआरपीएफ सारंडा के जंगलों में तैनात है और कई बार होता है कि जवान जंगल ऑपरेशन से आने के बाद वो रिलैक्स होना चाहता है। इसी क्रम को इसका एक कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करा डॉक्टर प्रेमचंद कमांडेंट के दिशा निर्देश में। ओपन जिम का एक कंसेप्ट हम लोगों ने कंसिडर किया कि इसको लगाना चाहिए और जवान खाली समय में इसमें अपना जिम वगैरह कर सकता है। कई बार होता है कि जंगल में जिम वगैरह से हम लोग चाह करके भी नहीं कर पाते हैं, तो अपने को फिजिकल फिट रखने के लिए जो हमारी एक मूल सिद्धांत माना जाता है कि फिजिकल फिट होना चाहिए, उसको देखते हुए जिम का सभी कंपनियों में स्थापित किया गया है और इसमें एक दफा में कम से कम 10 जवान जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें हैंड का भी है, वॉकिंग का भी है, स्विम का भी है और एडमुलर एक्सरसाइज करने की भी लगाया गया है। इस तरह से कम समय में अधिक एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से हावड़ा जाने वाली ट्रेन से
सीआरपीएफ के जवानों ने आज एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास से 63 पीस स्मार्टफोन बरामद हुआ है जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रेन नंबर 02833 डाउन जब झारसुगुड़ा से चक्रधरपुर की ओर आ रही थी, इसी दौरान स्कॉट ड्यूटी में तैनात जवान अंकित कुमार और के सैनी द्वारा कोच नंबर A2 के सीट नंबर 12 से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम मुर्तजा शेख बताया। वह पश्चिमी बंगाल के मालदा टाउन जिला के खास चांदपुर का रहने वाला है। उसके पास एक काला रंग का बैग मिला जिसकी तलाशी लेने पर उसके अंदर से विभिन्न कंपनियों का 63 पीस एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुआ जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। पूछताछ के दौरान मुर्तजा ने बताया कि सारा मोबाइल चोरी का है। वह नागपुर से मोबाइल को लेकर अपने गृह जिला में जा रहा था। आज ट्रेन एस्कॉर्टिंग के दौरान 02833 ऑफिसर स्टाफ चकरधरपुर के सुपरविजन इंस्पेक्टर क्राइम सेल श्री संजीव कुमार का जब गाड़ी मनोहरपुर क्रॉस कर रही थी तो हमारे जवान जब गश्त लगा रहे थे कोच में पीछे से आगे की तरफ तो एक व्यक्ति को संदेहास्पद स्थिति में देखा गया क्योंकि वो वर्दी वालों को देखने से उसका माने मूवमेंट ठीक नहीं था और उसको डिटेन किया गया, पूछा गया तो बोला कि सर हम A2 कोच में 13 नंबर बर्थ में हम ट्रेवल कर रहे हैं। इसी दौरान शक हुआ, बोला गया कि आपके पास क्या है तो बोला सर मेरे पास एक बैग है और कुछ नहीं। क्या बैग? बैग बहुत ही वजन था बैग का। पूछा गया तो बोला कि सर इसमें कुछ मोबाइल है जो कि कामपटी स्टेशन है नागपुर के पास, वहां से वो बोर्डिंग किया था और ये सब मोबाइल उसी एरिया कामपटी एरिया से लोकल एरिया से बाजार से दुकान से सबको चुरा कर इकट्ठा किया था और आज वो कामपटी से हावड़ा जा रहा था। उस शख्स का नाम मुर्तजा शेख है जो कि मालदा टाउन का रहने वाला है और वो मालदा टाउन में ही लोकल एरिया में जाकर ये पूरे मोबाइल को बेचता और फिर फर्दर वो हम लोग इसको साथ में मोबाइल को रिकवर करके जीआरपी चक्रधरपुर को हैंडओवर करेंगे, फिर अगली कार्रवाई वो लोग करेंगे। टोटल 63 नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनी का वीवो, रेडमी, सैमसंग, नोकिया, रियलमी, ये सब कंपनी का मोबाइल मिला है।